हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज सुबह सुबह मॉर्निंग में निकले हैं और आज जा रहे हैं एक बहुत अच्छे राइड पे। मतलब एक बात आपको बता दें कि ये मेरा ड्रीम राइड है, तो आज जा रहे हैं अपने एक ड्रीम को पूरा करने। सो देख सकते हैं मेरे साथ कौन कौन है। तो सबसे पहले ब्लॉगर ऑन द स्ट्रीट, तो मेरा आज राइड पार्टनर यही है और आज हमको सी ऑफ करने आया है साहिल भाई। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ब्लैक बाइकिंग के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग ऑलरेडी वाकिफ होंगे अगर मेरे चैनल पे अगर पुराने हैं तो। और अपने साथ कुछ तीन भाई लोग और हैं, तो भाई लोग से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, कभी मिले नहीं हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? मिहिर, रिशु, अभी। तो ये तीन भाई भी हम लोग के साथ राइड करके जाएंगे और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, राइड में क्या क्या होता है। तो काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये मेरा ड्रीम राइड है। आई होप सो कि वीडियो अच्छा से अच्छा बना पाए, कि आप मेरा व्लॉग एंजॉय कर पाए। तो चलते हैं भाई, क्या दोस्त मिलते हैं फिर। आप लोग सेफ आराम से राइड करिएगा, कोई टेंशन आएगा। तो भाई हमको सी ऑफ करने आया, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब समझिए थोड़ा 2 घंटा मेरे साथ टाइम स्पेंड किया अभी, क्योंकि भाई लोग मेरे कुछ लेट हो गए थे। लेट तो होना फिक्स था, ये तो हमको भी पता था। तो भाई मेरा अच्छा सपोर्ट किया है, तो मिलते हैं आके। बिल्कुल राइड से, चलो धन्यवाद। तो आज का जो प्लान था ना मेरा, वो सुबह 4 बजे का था, बट निखिल भाई ही लेट कर दिए। निखिल आज मेरे साथ राइड कर रहा है, जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और अभी है हम दिघा में। तो आज जो हम रूट चूज़ किए हैं वो गोपालगंज होके जो गोरखपुर वाला रास्ता है, उसी रास्ते से जाने वाले हैं। तो देखते हैं आज कहाँ तक राइड कर पाते हैं और कहाँ स्टे करते हैं, हर एक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरे इस वीडियो पर बने रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही बस भाई एक से एक अच्छा अच्छा व्लॉग लाएगा। और ये तो अपना ड्रीम राइड है, तो महादेव का नाम लेते हैं, हर हर महादेव। बस ये राइड अच्छे से हो जाए, यही प्रे करते हैं गॉड से। और देख सकते हैं काफ़ी फॉगी वेदर हो गया है। मसरक मलमलिया जाने वाला रोड है और ये थोड़ा दूर लगा हुआ है पानी। चलते हैं हम लोग इसी में और आराम से चलना है, केयर करके चलना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी है, ज़्यादा नहीं है, बट ये जो पानी है ना, ये बाढ़ का पानी है, ये बाढ़ का पानी है और बहता पानी भी है। थोड़ा फोर्स कर रहा है बट कोई नहीं, पर ऐसा सीन है बहुत कष्ट की बात है। आप देख रहे हैं ये पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है इलाका। और अभी हम गोपालगंज की तरफ जा रहे हैं और ये जो जगह है ना, ये मसरक शायद बोलते हैं, ये मसरक रोड है, मसरक मलमलिया रोड। और इधर देख सकते हैं पूरा घर में पानी आ गया है, मतलब ये सब जगह पानी है। बता दें कि अभी हम इसके आगे से लेफ्ट लेंगे तो गोरखपुर वाला हाईवे पकड़ लेंगे और इधर थोड़ा दूर जो पैच है ये है थोड़ा रोड ख़राब। और इससे पहले तो रोड ठीक ठाक मिला, बट इसके आगे तो रोड अच्छा मिलेगा। देख लो ना, यही है गोरखपुर वाला NH, तो पकड़ेंगे हम यही वाला रोड, यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न और पकड़ते हैं गोरखपुर वाला रोड। सीधे कहीं रुकेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, डायरेक्ट निकलेंगे गोरखपुर और गोरखपुर से लखनऊ। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अगर लखनऊ टाइमली टाइम से पहले पहुँच गए तो फिर लखनऊ से आगे कहीं स्टे करेंगे, और अगर टाइमली नहीं पहुँचे तो लखनऊ में स्टे कर जाएंगे। तो देखते हैं, भाई लोग साथ में हैं, सब लोग को कोऑर्डिनेट करके चलना है, तो इस वजह से अब अकेले रहते हैं, सोलो रहते हैं, तो अपने हिसाब से चलते हैं, बट भाई लोग को भी साथ लेके चलना है। पहुंच गए हैं अभी हम लखनऊ एक्सप्रेसवे पे और हमारे पीछे में देख सकते हैं यही है लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो
सब लोग यहाँ थोड़ा रुके हैं और देख सकते हैं बैकग्राउंड में गुलंबर है। यहाँ से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे और लखनऊ की तरफ बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से लखनऊ 250 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ एक और अपडेट दे दें कि अगर आप गोरखपुर से लखनऊ एक्सप्रेस वे करते हैं तो उस पर पेट्रोल पम्प आपको अभी तक तो हमको एक भी नहीं मिला है। तो कभी आप अगर राइड कीजिएगा तो पेट्रोल तो उससे पहले अपना टंकी फुल करा लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट है। आगे जाते हैं, देखते हैं कहाँ पेट्रोल पम्प मिलता है, अभी आइडिया नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं और भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। भाई को सपोर्ट करने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पर पुराने हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कि अभी है लखनऊ वाले टोल प्लाजा पे, ये है लखनऊ का टोल प्लाजा और अभी यहाँ चाय पिए हैं कृष्णा ढाबा पे। काफ़ी अच्छा चाय मिला है, कभी आइए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा कृष्णा ढाबा। भैया बहुत अल्टीमेट चाय पिलाए हैं तो मज़ा आ गया। चलते हैं आगे लखनऊ बरेली जहाँ तक जाए, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा चाय पिलाए हैं भैया, तो कभी आइए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यही टोल प्लाजा है और यहाँ पर है कृष्णा ढाबा। फाइनली पहुंच गए हैं लखनऊ, अभी है लखनऊ में 9:05 हो रहा है। रूम में चेक इन कर गए हैं और फ्रेश व्रेश हो लिए हैं। तो आपको बता दें कि आज का जो राइड था वो यही था और डे टू भी वीडियो आएगा, डे थ्री भी आएगा। तो केदारनाथ जो ट्रिप है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, हमको खुद नहीं पता है क्या क्या कितना कवर कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई को आपके सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। और अपने YouTube फैमिली जो है ना वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, वो हमको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और महादेव का अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत सारा व्लॉग आएगा। बस केदारनाथ बाबा से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि ये राइड जो है ना वो मतलब मेमोरेबल हो जाए, ऐसे भी मेमोरेबल राइड रहेगा ये, मतलब हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि ये आपको पता है ये मेरा ड्रीम राइड है। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अभी मस्त खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और फिर कल सुबह डे टू का वीडियो शूट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है मेरे YouTube चैनल पे, तो मेरे YouTube चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय बंद, अब से अलविदा।